हाई एवरी वन एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि CUET 2023 के अंदर अपियर होने वाले हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। एक चीज़ मैं बहुत क्लियर आपको कहने वाला हूँ, ये इसके अंदर मैं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर नहीं करूँगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो अब आप ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। भाई मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ या मेरे पास ऐसी कोई दैव्य शक्ति नहीं है कि मैं बस ऐसे करूँ, आशीर्वाद दे दूँ आपको और आपका पेपर चल जाए। पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी 15 दिन के अंदर कैसे चीज़ को कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कैसे की जाती है, क्या अप्रोच रहेगी जो आप भीड़ से, बहुत सारे स्टूडेंट्स की भीड़ से आगे आके निकल जाओगे और कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, वो स्ट्रैटेजी आप कैसे पूरा सिलेबस कम समय के अंदर रिवाइज कर पाओगे, वो स्ट्रैटेजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ऐसी ही वीडियो चैनल पे भी आती रहेंगी। आपको प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी, आप अगर CUET के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज देना चाहते हो उसकी प्रॉपर तैयारी चैनल पे चल रही है और आगे और वीडियोज आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करके रखना। तो बिना समय वेस्ट के सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो होगी एक अच्छे मॉक टेस्ट आपके पास होने ज़रूरी है। यार देखो होता क्या है, अगर आप CUET का थोड़ा सा टेस्ट देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ तो डोमेन सब्जेक्ट्स के अंदर आपका 90% तक सिलेबस वही है जो कि क्लास 12th के अंदर आपने पढ़ा है। अभी आपको करना क्या, बस उसको थोड़ा सा MCQ बेस जो है ब्रशअप करना है। तो जब आपके पास एक अच्छी मॉक टेस्ट की सीरीज होती है, अच्छे से मेरा क्या मतलब है, जहाँ के क्वेश्चंस बिल्कुल टू द पॉइंट रिलेवेंट हो, प्रॉपर जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न, जो सिलेबस आपका NTA ने दिया है उसको प्रॉपर फॉलो करते हो, वो मॉक्स आपके पास होने चाहिए। उससे होगा क्या, जब आप मॉक टेस्ट दोगे और उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो वो चैप्टर्स जहाँ जहाँ से वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके रिवाइज होंगे, ठीक है। और वो मॉक देने के बाद जब आप उसको एनालाइज करोगे तो कहाँ कहाँ आप लैक कर रहे हो वो भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पे पता चलती रहेगी। सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको अच्छे मॉक्स आपके पास होने चाहिए और आपको उन्हें देना अब शुरू कर देना पड़ेगा। कम समय के अंदर मैक्सिमम सिलेबस रिवाइज आपका इसी तरीके से हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि एक बढ़िया मॉक टेस्ट सीरीज आ जाए आपके पास तो आप एडू कैप्टन की लीडर सीरीज भी आप जो है वो इनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको गूगल पे सिर्फ लिखना है www.study.educaptain.in। आप जैसे ही वहाँ पे लॉग इन करोगे या आपको साइन अप जब जैसे ही करोगे, लॉग इन करने के बाद टेस्ट सीरीज के अंदर आ जाना। टेस्ट सीरीज के अंदर हमारी जो लीडर सीरीज है आप 299 रुपीज़ के अंदर आप अवेल कर सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल क्या जाता है भाई, 280 से ज़्यादा आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मतलब कि अगर आप इंग्लिश CUET के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज देना चाहते हो, जनरल टेस्ट देना चाहते हो, डोमेन देना चाहते हो, IPMAT इंदौर, रोहतक, JIPMAT, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, NPAT, IP यूनिवर्सिटी, सबके मॉक टेस्ट आपको इसके अंदर प्रॉपर सीक्वेंसली प्रॉपर पैटर्न फॉलोड जो है आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसके अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपने पढ़ा है अब आप उसको और एनहैंस करना चाहते हो तो वो मॉक टेस्ट भी आपको इसके अंदर लीडर सीरीज के अंदर मिल जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी मेरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स और रीजनिंग जहाँ जहाँ आपका जिस जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा जाता है वहाँ उसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस में मिल जाएंगे। क्यों वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इसका प्रॉपर जवाब मैं आपको आगे अच्छे से दे रहा हूँ। मोटा मोटा मैं आपको समझा देता हूँ बच्चे करते क्या। जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया किसी क्वेश्चन के अंदर जो डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ पे हम आपको देते हैं, कभी कभार हमें वो सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आता तो आपको प्रॉपर वहाँ पे फैकल्टी समझा रही होती है मैथ्स और आपके रीजनिंग के अंदर के ये क्वेश्चन क्या अप्रोच रही है, ताकि आपको जो है उस चैप्टर को बहुत डिटेल में जाके पढ़ना ना पड़े और कम समय के अंदर आप मैक्सिमम स्कोर कर सको। इसी के अंदर हम आपको जो है क्वेश्चन बैंक्स देते हैं। आपको लग रहा है कि अभी मॉक के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कुछ क्वेश्चंस मैं पहले प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, हर एक सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है इसका जो इंटरफेस है वो प्रॉपर NTA जिस तरीके से आपका पेपर लेगा उसी इंटरफेस के ऊपर ये बने हुए हैं। और साथ ही साथ आपकी जो रिपोर्ट्स निकल के आती है वो बहुत ही शानदार रिपोर्ट निकल कर आती है। एक पेपर के अंदर आपने कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, कितने आपके करेक्ट है, कितने आपके इनकरेक्ट है, वो सारी रिपोर्ट निकल के आती है। एक टॉपर ने उस पर्टिकुलर मॉक के अंदर कितना स्कोर किया है वो सारे ही स्कोर्स जो है इसके अंदर निकल के आते हैं। बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज है बच्चे, हमें आके लास्ट ईयर बच्चों ने बोला है
कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें जो है वो हमारे पेपर में देखने को मिले, तो 299 रुपीज़ के अंदर आप इस सीरीज को अवेल कर सकते हो। ये बहुत अच्छा सौदा आपके लिए हो सकता है मेरे भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो है हमारी, आपको डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है। अब डिस्ट्रैक्शन से मेरा ये कतई मतलब नहीं है इंस्टाग्राम यूट्यूब ये सब छोड़ दो, ना 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 ना, ठीक है, इसको हमें कम तो करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन से मेरा मतलब है यहाँ पे आपका एक दोस्त कह रहा है कि ये वाली किताब पढ़ ले, आपका दूसरा दोस्त कह रहा है ये वाली किताब पढ़ ले, आपका तीसरा दोस्त कह रहा है ये वाली किताब पढ़ ले, नहीं, आप किसी एक रिसोर्स के ऊपर रिलाय करो और बस आंख मीच के ईश्वर का नाम लेके उसको सारथी मान के कह दो कि भैया मैं सिर्फ और सिर्फ यही रिसोर्स पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं 10 चीज़ों में नहीं कूदूंगा। 10 चीज़ों के अंदर कूदोगे वो आपको एंजाइटी देगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, उससे सिर्फ चिंताएँ होगी, सिलेबस आपका बढ़ता ही रहेगा, वो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। एक बुक जो आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पढ़ना चाहते हो वही रखो, जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो सिर्फ उसी को देखो, 10 जगह मुंह नहीं मारना है। हमेशा एक बात मेरी ध्यान रखना, 10 किताबें लगा के एंट्रेंस क्लियर नहीं होते हैं, 1 किताब को अच्छे से 10 बार लगा के, 10 बार प्रैक्टिस करके, अच्छे से उसके अंदर गोता मार के, उस कंटेंट के अंदर गोता मार के आपके एंट्रेंसेस क्लियर होते हैं। इस बात को आपको खास ख्याल रखनी है। तो जब भी आप अपने स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हो तो आपके पास लिमिटेड कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट की आपकी 4-5-10 किताबें आपने भर रखी है, तो इससे सिर्फ और सिर्फ चिंताएँ होगी। बात आई समझ में? तीसरी और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब जब आपकी एग्ज़ाम टाइमिंग्स आएंगी, मतलब कि मैं आपको बता दूँ आपके एग्ज़ाम किस किस टाइम होता है, सुबह 9 बजे होता है, 12 बजे और 3 बजे, 3 शिफ्ट के अंदर आपके एग्जाम्स होते हैं। अभी जब एडमिट कार्ड आएगा तो हो सकता है 1-1.5 घंटा ऊपर नीचे हो, लेकिन अभी से जो आपको आदत डालनी है वो 5-5:30 बजे उठने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ क्या है भाई। जब आप अगर वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आपके एग्जाम के अंदर होती है तो होगा क्या कि आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट का मतलब क्या है मेरे भाई? फर्स्ट शिफ्ट का मतलब है कि 9 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और उस पेपर की जो रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है, मतलब सेंटर पे जो आपको पहुंचना पड़ता है, वो 7:30 बजे पहुंचना पड़ता है। 7:30 से 8:30 का टाइम हमारे पास होता है, मतलब आप मोटा मोटा ये लगा लो कि 8 बजे तक आपको सेंटर में पहुंचना है। और अगर आपका सेंटर थोड़ा सा दूर पड़ गया, मतलब कि अगर आप जब आपने CUET का प्रेफरेंस शीट भरी होगी, सिटी अलॉटमेंट आपने भरी होगी, तो आपके जैसे अगर मैं दिल्ली का हूँ तो मेरे पास प्रेफरेंसेस आ क्या रही थी, दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव, यही आ रही थी मेरे भाई। तो अगर वह सिचुएशन में मान लो मैं दिल्ली में हूँ, मेरा सेंटर नोएडा पड़ भी गया, तो दिल्ली से मेरे को जाने में जो है 1.5-2 घंटा लग जाएगा आराम से। तो उतना पेस अगर आप देखोगे तो सुबह 5-5:30 बजे उठना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं एक मज़े की बात बता दूँ, हमेशा ध्यान रखना कि एग्ज़ाम वाले दिन ना कुछ चमत्कार नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एग्ज़ाम वाले दिन हमारे पास अलग से कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, हमारा ब्रेन जो है अलग से परफॉर्म करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसा हम उसको अभी ट्रेन करते हुए चलेंगे, हमारी बॉडी को, हमारी आदतों को जैसा हम अभी ट्रेन करते हुए चलेंगे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही परफॉर्म करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यार अगर मान लो आपकी आदत सुबह 10 बजे उठने की है, ठीक है, और आपका पेपर पड़ गया सुबह फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो आपके ब्रेन को आदत ही नहीं है उस टाइम एक्टिवली काम करने की। उससे होगा क्या, वो सीधा सीधा इम्पैक्ट आपके जो है पेपर पे पड़ेगा। तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा, देखो 15 दिन है और डू एंड डाई वाली सिचुएशन है मेरे भाई। आप नहीं कर रहे हो तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे। आप टाइम से उठो, 5-5:30 बजे अभी से उठना शुरू करो। उसके बाद जो पहला मॉक आपको देना है वो पहला मॉक आप लगाओ अपना 9 बजे, और उससे पहले देखो जो भी आपका फ्रेश होने का काम है, जो भी आपका ब्रश करने का काम है, ये काम भी आप सुबह करना शुरू करो। इससे होता क्या पता क्या होता है, मैं आपको मतलब लिटरली एक बड़े भाई की तरह बता रहा हूँ और वो प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, कोई बताएगा भी नहीं आपको। मान लो आपने अभी से 5-5:30 बजे उठने की आदत डाल ली ना, तो यार सुबह उठ के हम फ्रेश होने जाते हैं ना, जब हम फ्रेश हो जाते हैं हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। जब अगर आपने अभी से आदत डाली तो बॉडी को आदत लग जाएगी कि हाँ ठीक है सुबह जल्दी इस टाइम पे हमें फ्रेश होना है, आप फ्रेश हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी ये आदत नहीं डली और एग्जाम वाले दिन अगर कुछ गड़बड़ हो गई कि भाई आपको लग रहा है कि आपको वॉशरूम जाने की नीड है, भाई साहब पूरा पेपर खराब हो जाएगा। और ये बच्चों के साथ होता है, कोई नहीं बताएगा आपको। मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग्स है ना, अपनी बॉडी और अपने ब्रेन को आदत डाल लो उस टाइम पे एक्टिवली काम करने की। मतलब कि 9 बजे अगर आपका पेपर पड़ता है
तो 9 बजे ये बिल्कुल एक्टिवली काम करना चाहिए हमारा दिमाग, और वो कब करेगा, जब आप 9 बजे इस ब्रेन को आदत डालोगे एग्जाम लिखने की, समझ रहे हो। तो सबसे पहला पेपर हमें 9 बजे देना है, 9 से भाई देखो 45 मिनट का हमारा पेपर है, कोई पेपर हमारा 1 घंटे का है, तो आप एक दिन के अंदर 2 मॉक टेस्ट लगाओ ही लगाओ। कैसे लगाओ मैं आपको बता देता हूँ, सुबह के 9 बजे वाली शिफ्ट का आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट आपने दिया अच्छे से, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना है कर लो, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कहाँ चैप्टर अभी कौन सा टॉपिक सीखने वाली ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें सीखने के बाद एक मॉक टेस्ट अगर आपको टाइम मिलता है 12 बजे तो 12 बजे लगाओ, नहीं तो 3 बजे लगाओ। क्योंकि होगा क्या, देखो एग्जाम वाले दिन वर्स से वर्स क्या हो सकता है कि आपका तीनों शिफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ एग्जाम पड़ रहा है, लेकिन अभी हमें क्या है, हमें मॉक टेस्ट देना भी है और उसको एनालाइज भी करना है, ठीक है। तो अगर आपने 9 बजे दिया है तो 12 बजे कोई ऐसा टास्क कर लो, अगर आप मॉक नहीं दे रहे कि हमारा ब्रेन जो है एक्टिवली काम कर रहा है, कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आप 3 बजे मॉक दे दो, ठीक है। अगर आपको 3 बजे मॉक नहीं देने तो 3 बजे अब अगर आप 3 बजे मॉक दे रहे हो तो 12 बजे कुछ ऐसा काम करो कि आप एक्टिवली ब्रेन से काम करा रहे हो, मतलब 3 टाइम ये जो है ना आपको एक्टिवली काम कराना पड़ेगा ब्रेन से, तभी आपकी आदत बनेगी, वरना आदत नहीं बन पाएगी। ये मतलब ऐसी बात है भाई, बहुत बहुत लिटरली अच्छी बात है। और एग्जैक्ट टाइमिंग्स, जैसे ही एग्जैक्ट टाइमिंग्स आपका एडमिट कार्ड आपके पास आता है तो वहाँ पे भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है आपको उसी टाइम के ऊपर। क्लियर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है हमारी एरर नोटबुक। यार देखो आपने मॉक टेस्ट लगाया, उस मॉक टेस्ट के अंदर कौन से क्वेश्चन, अब देखो ये एरर नोटबुक जो है ना ये एक कॉपी भी हो सकती है और ये आपकी फ़ोन की गैलरी भी हो सकती है कहीं पे, या आपके कंप्यूटर का एक फोल्डर भी हो सकता है। मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, अब उस मॉक टेस्ट के अंदर वो क्वेश्चन जो कि टाइम बहुत ज़्यादा ले गए, या वो क्वेश्चन जो आपसे उस टाइम पे नहीं बने, आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, या फिर आपने जो है उसका जो है नोटबुक के अंदर उसको नोट कर लिया, और आपने दिन के अंदर एक टाइम एक ऐसा निकाल रखा है जब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां, जो क्वेश्चंस के अंदर, जिन क्वेश्चंस के अंदर आप गलतियां कर रहे हो सिर्फ उसी को पढ़ रहे हो, वो 1.5 घंटे का टाइम आपके पास होना चाहिए। होगा क्या, अगले 15 दिन के अंदर अंदर वो जो गलतियां हैं ना जो आप एग्जाम्स के अंदर कर रहे हो वो आप मिनिमाइज कर दोगे। क्यों, क्योंकि आप डेली उसको जो है पढ़ रहे हो, उस एरर नोटबुक को पढ़ रहे हो या फिर उन स्क्रीनशॉट्स को देख रहे हो कि यार ये गलतियां मैंने करी हैं, ये अब मैं एग्जाम में नहीं करूंगा, तो ब्रेन को अगेन होगा क्या, ये आदत लग जाएंगी। मेरे भाई ये जो 15 दिन की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है ना, ये शायद ही आपको YouTube पे कहीं मिल रही होगी। वीडियो के अंदर मज़ा आया हो ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार बरसा देना। इस स्ट्रैटेजी से चलोगे आपको लिटरली बहुत इंप्रूवमेंट आपके अंदर फील होगी, कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, और बॉडी और ब्रेन के साथ कैसा खेला जाता है ये आपको जो है प्रॉपर समझ में आ जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलते हो ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।